कैंडिडेट है जो आपको लगता है यहाँ कांग्रेस के लिए बेटर है? डॉक्टर राजेश, पुराने प्रत्याशी थे कांग्रेस के, डॉक्टर राजेश यादव तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। होशियार सिंह वो हार जाएंगे, किसी भी कीमत में खड़े हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव की बात आती है तो देहरा का नाम भी उससे जुड़ जाता है। देहरा में भी उपचुनाव होना है। अब देहरा वाले भी सोच रहे होंगे कि 1.5 साल के अंतराल में भी उन्हें विधानसभा के लिए वोट करने जाना होगा। ऐसे में वे किस तरह का कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से चाहते हैं, यही जानने का आज हिमाचल अभी के संवाददाता मनोज ठाकुर ने देहरा में प्रयास किया। देहरा की जनता आखिर कैसा नेतृत्व चाहती है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। यहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं। हाँ जी सर, आप किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं यहाँ पे? हमें तो इस टाइम जो सरकार है उसी का प्रत्याशी मिले और उसी को समर्थन करेंगे। सर बात करें जो पुराने प्रत्याशी थे कांग्रेस के, डॉक्टर राजेश यादव तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। वही बात करें भाजपा के जो है, भाजपा में जो शामिल हुए हैं होशियार सिंह, वो हार जाएंगे, किसी भी कीमत में खड़े हो जाएगा। क्या लगता है 20 साल का इतिहास चेंज हो गया इस बार? पब्लिक जो है ना बड़ी परेशान होती है हमेशा ही, हमारी वजह से होशियार सिंह जी नहीं हारे, नहीं है उन्होंने खुद अपने लिए हार तैयार कर लिए, इसलिए मन में जो है ना अब ठेस है और जिसकी सरकार हो उसी का बने अच्छा रहता है। यहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं, हाँ जी, किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं यहाँ पे? कांग्रेस है, अभी तो कांग्रेस का चाहिए। कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की तो कांग्रेस का चाहिए। ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो आपको लगता है यहाँ कांग्रेस के लिए बेटर है? डॉक्टर राजेश। सर 13 में उपचुनाव हो रहे हैं जी, किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं आप यहाँ पे? सर अभी तक जैसा कि भाई साहब ने बताया कि अभी कैंडिडेट कोई भी नहीं यहाँ पे वो हुआ है, जब कैंडिडेट आ जाएगा तब हम उस हिसाब से चलेंगे कैंडिडेट के साथ। सर क्या लगता है कांग्रेस का चेहरा डॉक्टर राजेश हो सकते हैं और भाजपा का चेहरा होशियार सिंह हो सकते हैं? हो सकता है सर, सुनने में यही आ रहा है। सर किस तरह के रहने वाला है इन दोनों का मुकाबला? सर काफ़ी टफ होगा, फाइट होगी काफ़ी ज़बरदस्त। चुनाव है उपचुनाव, हाँ जी सर, यहाँ पे जो देहरा है किस तरह का प्रत्याशी चाहिए कांग्रेस से और भाजपा से, किस तरह का? कांग्रेस का तो ऐसे है ना जी, अगर डॉक्टर राजेश पहले लड़े थे उन्होंने, उनको और तो यहाँ कोई है नहीं, ठीक है ना, जैसे नरदेव कमर को बोल रहे थे लोग, वो भी यहाँ के नहीं हैं, वो भी बाहर के ही हैं, पर लोगों को उनकी ज़्यादा जान पहचान है। तो डॉक्टर राजेश है, उन्होंने यहाँ लड़ा, इलेक्शन घूमे हुए हैं, अगर उनको मिल जाए टिकट तो फाइट ठीक ठाक हो जाएगी, जीत भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 19,000 वोट मिला है, कोई ऐसे नहीं है कि कम वोट मिले हैं, थोड़ा मार्जिन का फर्क है। अगर जैसे बीजेपी का, बीजेपी वाले तो मैंने सुना कि होशियार सिंह को ही देंगे, तो बाकी दो पार्टियों में होगा मुकाबला। सर आपने कहा कांग्रेस और से डॉक्टर राजेश को टिकट मिलना चाहिए और बीजेपी से अगर होशियार सिंह को मिल रही है, तो सर इन दोनों प्रत्याशियों के बीच किस तरह का मुकाबला रहने वाला है? मुकाबला तो कड़ा ही होगा, लेकिन होशियार सिंह का मुकाबला जो कर सकते हैं तो डॉक्टर राजेश ही, और फिर मुश्किल हो जाएगी। सर देहरा में उपचुनाव हो रहे हैं, हमें देहरा का विकास करने वाला प्रत्याशी चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस से कौन सा कैंडिडेट होगा दावेदार? पिछली बार तो सर डॉक्टर राजेश शर्मा जी से थे, इस बार भी शायद वही आएंगे। और जी बात करें भाजपा के प्रत्याशी कौन हो सकते हैं यहाँ से? सर मेरे को लगता है जो पहले आज़ाद उम्मीदवार थे होशियार सिंह जी, वही आएंगे इस बार। तो आपने बताया कांग्रेस से डॉक्टर राजेश और भाजपा से होशियार सिंह, तो मैम किस तरह का मुकाबला रहने वाला है इस बार? मेरे को लगता है कि इस बार मुकाबला जो डिफरेंट रहेगा और मज़ा आएगा इलेक्शन का। तेरह में उपचुनाव हो रहे हैं, किस तरह के प्रत्याशी चाहते हैं? जो जनता के हित में काम करे। सर क्या लगता है यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा और भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा? कांग्रेस का तो डॉक्टर राजेश ही बता रहे हैं अभी, तो भाजपा का कौन चाहिए? भाजपा का तो अंदरूनी लड़ाई चली हुई है। सर मान लेते हैं डॉक्टर राजेश को यहाँ से टिकट मिल जाती है कांग्रेस से, बात करें बीजेपी से होशियार सिंह को टिकट मिल जाती है, तो सर किस तरह का मुकाबला रहने वाले दोनों के बीच यहाँ पे? मुकाबला तो टक्कर का ही होगा।